स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ड्रॉट शॉर्ट स्टोरीज का पार्ट टू एक्सप्लेन करूंगा, जो क्लास 11 यूपी बोर्ड का है। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें, और अपने मूल्यवान सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। गफूर बेग्ड फॉर राइस वाटर फ्रॉम द नेबर्स एंड फेड महेश। राइस वाटर का अर्थ है चावल का पानी या माड़। गफूर ने अपने पड़ोसियों से माड़ मांगा और महेश को खिलाया। पैटिंग हिम ऑन द हेड एंड हॉर्न्स, उसके सिर और सींगों को थपथपाते हुए, ही विस्पर्ड वैग साउंड ऑफ इंडर मेंट टू हिम। विस्पर्ड का अर्थ है फुसफुसाया, वैग का अर्थ है अस्पष्ट, और इंडरमेंट का अर्थ है पुचकारना। तो थपथपाते हुए वह अस्पष्ट आवाजों में फुसफुसाते हुए उसने महेश को या अपने बैल को पुचकारा। इट वॉज अबाउट द मिडिल ऑफ जून। यह जून का लगभग मध्य का समय था। नोबडी हु हैज नॉट लुक्ड एट द इंडियन समर स्काई वुड रियलाइज हाउ टेरिबल। कोई जो हिंदुस्तान के गर्मियों के समय का जो आसमान होता है उसको न कभी देखा हो, वो नहीं जानता कि यह कितना भयानक होता है, मतलब कितनी गर्मी पड़ती है। यह वही समझ सकता है जो हिंदुस्तान में गर्मियों में रहा हो, देखा हो। हाउ अनरिलेंटिंग द हीट कैन बी। अनरिलेंटिंग का अर्थ है असहनीय। यह जो हीट है, यह जो गर्मी है, यह कितनी असहनीय होती है। नॉट ए ट्रेस ऑफ मर्सी एनीवेयर। कहीं पे दया का कोई चिन्ह नहीं होता है, बस तपिश होती है। टुडे इवन द थॉट दैट समडे दिस एस्पेक्ट ऑफ स्काई विल चेंज, दैट इट विल बिकम ओवरकास्ट विथ सॉफ्ट वेपर लेडन क्लाउड इज इम्पॉसिबल। आज यह सोचना, यह विचार करना कि एक दिन आसमान का यह चेहरा बदलेगा और आसमान में पानी से भरे हुए बादल छा जाएंगे, असंभव ही है। ओवरकास्ट का अर्थ है छा जाना, वेपर लेडन क्लाउड का अर्थ है पानी से भरे हुए बादल, और एस्पेक्ट ऑफ द स्काई का अर्थ है आसमान का यह चेहरा। इट सीम्ड एज टफ दैट होल इट सीम्स एज दो द होल ब्लेजिंग स्काई वुड गो ऑन बर्निंग डे आफ्टर डे इनलेसली टू द एंड ऑफ द टाइम। टू द एंड ऑफ द टाइम का अर्थ है कालांतर तक। ब्लेजिंग का अर्थ है चमकता हुआ या जलता हुआ। ऐसा लगता है कि यह जो जलता हुआ आसमान है, यह दिन प्रतिदिन जलता ही रहेगा, इसकी समाप्ति नहीं होगी, कालांतर तक जलता रहेगा। गफूर रिटर्न होम एट होम। गफूर अपने घर लौटा। ही वॉज नॉट यूज टू वर्किंग एज ए हायर्ड लेबर। हायर्ड लेबर का अर्थ है एक मजदूर जो दैनिक मजदूरी पर काम करता है। तो वह दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला मजदूर नहीं था, दैनिक मजदूरी पर काम नहीं किया करता था। एंड इट वॉज ओनली 4 or 5 days सिंस हिज टेम्परेचर हैड गॉन डाउन। और अभी केवल 4 या 5 दिन ही हुए थे कि उसका बुखार उतरा था। हिज बॉडी वॉज स्टिल वीक एंड टायर्ड। उसका जो शरीर था अभी भी कमजोर था और थका हुआ था। ही हैड गॉन आउट टू सीक वर्क। वह बाहर गया था काम खोजने के लिए। बट इन वेन। वेन का अर्थ है व्यर्थ, लेकिन व्यर्थ ही रहा।
ही हैड नो सक्सेस, उसने कोई सफलता नहीं पाई, कोई काम नहीं पाया. हंगरी, थर्स्टी, टायर्ड, एवरीथिंग वाज डार्क बिफोर हिज आई, भूखा, प्यासा और थका हुआ, और उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधकार में ही था. इज द फूड रेडी, अमीना डियर, प्रिय अमीना, क्या भोजन तैयार है? ही कॉल आउट फ्रॉम द कोर्ट यार्ड, उसने आंगन से पुकारा, आंगन से पूछा. विदाउट एंसरिंग हिज डॉटर क्वाइटली केम आउट एंड स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, बिना कोई जवाब दिए उसकी पुत्री शांति से बाहर आई और दीवार के सहारे झुककर खड़ी हो गई. इज द फूड रेडी, क्या भोजन तैयार है? गफूर रिपीटेड विदाउट रिसीविंग एन आंसर. गफूर ने बिना कोई जवाब पाए, जब जवाब नहीं पाया तो उसने अपने प्रश्न को दोहराया. व्हाट डू यू से? नो, व्हाई? ये तुम क्या कर रही हो? नहीं तैयार है. क्यों? देयर इज नो राइस फादर, चावल नहीं है पिताजी. नो राइस, व्हाई डिड नॉट यू टेल मी इन द मॉर्निंग? चावल नहीं है तो फिर तुमने मुझे सुबह ही क्यों नहीं बताया? व्हाई आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, क्यों नहीं, मैंने तो कल रात को ही आपको बता दिया था. आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मिमिक्ड गफूर. गफूर ने उसकी आवाज को दोहराते हुए, चिढ़ाने के अंदाज में दोहराते हुए कहा कि कल रात ही बता दिया था. हाउ एम आई टू रिमेंबर व्हाट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट, मैं यह कैसे याद रखता हूँ, मैं यह कैसे याद रख सकता हूँ कि तुमने कल रात मुझे क्या कहा, क्या बताया. हिज एंगर ग्रू मोर एंड मोर वायलेंट एट द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस, और उसका जो गुस्सा था अपनी ही आवाज पर और ज्यादा भयंकरांत होता चला गया. ऑफ कोर्स देयर इज नो राइस, निश्चित रूप से चावल नहीं है. ही ग्राउल्ड, वह गुर्राया. विथ हिज फेस मोर डिस्टॉर्टेड देन एवर, डिस्टॉर्टेड का अर्थ है बिगाड़कर, अपने चेहरे को और ज्यादा बिगाड़कर, गुस्से में चेहरा बिगड़ जाता है तो और ज्यादा गुस्सा करके वह गुर्राया. What does it matter to you whether you your father eats or not? तुम्हें इस बात से क्या लेना देना कि तुम्हारे पिता खाते हैं या नहीं. But the young lady must have her three meals. लेकिन ये जो भली महिला है, भली औरत है, इन्हें तो तीन टाइम का खाना चाहिए. In future I shall lock up the rice when I go out. और भविष्य में मैं चावल को ताले में बंद कर दूंगा जब कभी बाहर जाऊंगा. गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, मुझे कुछ पानी दो पीने के लिए. आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ. सो यू हैव नॉट एनी वाटर आइदर, या तुम पानी भी नहीं रखती हो या घर में पानी भी नहीं है. अमीना रिमेंबर्ड स्टैंडिंग, अमीना रिमेन स्टैंडिंग विथ बोर्ड हेड एज बिफोर. अमीना पहले की तरह से झुकाए खड़ी रही. रियलाइजिंग दैट देयर वॉज नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन द हाउस, इस बात को महसूस करते हुए कि घर में एक बूंद भी पानी नहीं है. ही लॉस्ट ऑल सेल्फ कंट्रोल, उसने अपना पूरा आत्मनियंत्रण खो दिया. रशिंग एट हर, उसकी तरफ दौड़ा. ही स्लैप्ड हर फेस नॉइजली, उसने उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ा. रेस्ट गर्ल, अभागी लड़की. What do you do all day? तुम आखिर दिन भर क्या करती हो? So many people die, इतने लोग मर रहे हैं. Why do not you? तुम क्यों नहीं मर जाती? The girl did not utter a word. लड़की ने एक शब्द भी नहीं कहा. She took the empty earthen pitcher and went out into the afternoon sun, quietly wiping her silent tears. उसने खाली मिट्टी के घड़े को उठाया और तपती दोपहरी में घर से बाहर निकल गई अपने शांत आंसुओं को पोंछते हुए. शांत आंसुओं से अर्थ है जिसमें कोई सुगुगाहट न थी. द मोमेंट सी वॉज आउट ऑफ साइट हर फादर वॉज ओवरवेलम्ड विथ रिमोर्स. रिमोर्स का अर्थ है पछतावा. वह क्षण जब वह आंखों से उझल हो गई, उसके पिता पछतावे से भर गए, पश्चाताप करने लगे. ही एलोन न्यू हाउ ही हैड ब्रॉट अप द मदरलेस गर्ल, वही जानते थे कि आखिर उसने इस माँ विहीन, बिना माँ की लड़की को कैसे बड़ा किया है.
He knew that this affectionate, dutiful, quiet daughter of his was not to blame. वह जानते थे कि यह जो कर्तव्यवान और शांत लड़की है, इस लायक नहीं है कि उसको उसके ऊपर कोई दोषारोपण किया जाए, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है. They had never had enough to eat even while their little store of rice lasted. उनके पास कभी भी खाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होता था. While their little store of rice lasted, जहाँ पे उनका थोड़ा सा चावल रखा हुआ था, इतना ज़्यादा चावल नहीं था. It was impossible to eat three times a day. एक दिन में तीन बार इसको खाना भी असंभव था. तीन मतलब तीन बार खाने भर चावल भी नहीं था. Nor was he unaware of the reason for the absence of water. और वह इस बात को भी सोचना जरूरी नहीं समझा कि आखिर पानी न होने का क्या कारण था. Two of the three tanks in the village had all dried up. गांव में जो दो या तीन टैंक हैं, वे सभी के सभी सूख चुके हैं. The little water that there was still in the private tank of Sibu Babu was not for the public. जो थोड़ा बहुत पानी है, वह Sibu Babu के पर्सनल या व्यक्तिगत टैंक में ही है, जो कि आम जन के लिए, पब्लिक के लिए नहीं है. A few holes had been dug at the bottom of the other tanks. दूसरे टैंक्स के तलहटी में कुछ छेद किए गए हैं, छेद बनाए गए हैं. But there was such crowding and jostling for a little water that this child of a girl could not even approach them. लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ और व्यस्तता है कि यह बेचारी छोटी सी बच्ची वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, पानी तक नहीं पहुँच सकती. सी stood फॉर आवर्स ऑन end एंड आफ्टर मच begging इफ somebody took pity on her. वो वहाँ पे घंटों तक खड़ी रही. आफ्टर मच begging, काफ़ी याचना करने के बाद, यदि कोई व्यक्ति उसके ऊपर थोड़ा दया दिखाता. सी रिटर्न होम विथ ए लिटिल वाटर, वह घर लौटती थी थोड़ा सा पानी लेके. ही न्यू ऑल दिस, वह सब कुछ जानता था. परहैप्स देयर वॉज नो वाटर टूडे और नो बॉडी हैड फाउंड टाइम टू टेक पीटी ऑन हर. हो सकता है कि आज वहाँ पे बिल्कुल पानी ना रहा हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति ना रहा हो जो उस पर दया कर सके या उसे थोड़ा पानी दे सके. Something of the sort must have happened. कुछ ऐसा ही हुआ होगा, he thought, उसने सोचा. And his own eye too filled with tears. और उसकी अपनी आंखें भी आंसुओं से भर गई. Gafoor, are you in? Gafoor, क्या तुम अंदर हो? Somebody cried out from the yard. कोई व्यक्ति आंगन से चिल्लाया, पुकारा. The landlord's messenger had arrived. जमींदार का संदेश वाहक आ चुका था, पहुंच चुका था. Yes, I am in. Why? answered Gafoor bitterly. Gafoor ने बहुत ही कड़वाहट से कहा, हाँ मैं हूँ, क्या बात है? Master has sent for you. Come. मालिक ने आपको बुला भेजा है आने के लिए. I have not had any food yet. I will come later, said Gafoor. गफूर ने कहा कि मेरे पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है, मैं थोड़ा बाद में आऊंगा.